हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 सबसे भारी पोकेमोन के बारे में, जो कि इतने ज्यादा भारी है ना यार। मतलब अगर वो सबसे भारी पोकेमोन तुम पर बैठ जाए या चढ़ जाए तो तुम्हारे शरीर का सिर्फ ये पार्ट बचेगा और उसके बाद तुम्हारे शरीर में सिर्फ यही म्यूजिक चलेगा। तो हाँ, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो पहली बात तो ये, इस वीडियो के अंदर आपको वो पोकेमोन नहीं मिलने वाले जो आपने पहले से सोच के रखे थे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो पहले से सोच रखते हैं कि भाई नंबर 1 पे ये पोकेमोन आएगा, नंबर 2 पे ये पोकेमोन आएगा, तो वो पोकेमोन इस लिस्ट में नहीं है। मतलब आपको आशा पे निराशा मिल रही है। और दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर आपको वो पोकेमोन दिखने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी देखे भी नहीं होंगे। मतलब चाहे आपने अलोरा रीजन तक का पोकेडेक्स देखा होगा ना, तब भी आपको पोकेमोन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड है। तो वो पोकेमोन आपको इस वीडियो में दिखने वाला है। भाई सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं आपसे मेरी ऐसी कौन सी पुरानी दुश्मनी है जो भाई पिछली वीडियो पे इतना रहम बरसा दिया। मतलब मैंने इतना कहा था भाई डिसलाइक मत करना, कितनी बार कहा था यार मैंने, लेकिन तुम लोग हुए लाजवाब। और अब की बार मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। सुनो सब लोग, ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, ये पोकेमोन कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म्ड लिस्ट है। तो प्लीज यार, फिर से विनती करता हूँ, इस वीडियो पे डिसलाइक मत देना प्लीज यार। अपने भाई के लिए उंगली उठाओ, लेकिन डिसलाइक वाला बटन दबाने के लिए नहीं, लाइक वाला बटन दबाने के लिए। तो अभी जाके इस वीडियो पे लाइक कर दो। तो भाई वीडियो शुरू करें। तो चलो यारो, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पोकेमोन नंबर 5 पे अपनी जगह बनाता है, उस पोकेमोन का नाम है गजलॉर्ड। और जो लोग इस पोकेमोन के बारे में नहीं जानते, उनको मैं बता दूं कि ये पोकेमोन अलोला रीजन का है और ये पोकेमोन डार्क और ड्रैगन टाइप का है, जो कि इसके लुक को देखकर हम साफ साफ बता सकते हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में। तो इस पोकेमोन का वेट है 888.0 किलोग्राम। अब ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो क्यों लगाया। अगर ये पॉइंट के पास जीरो ना लगाते तब भी ये पोकेमोन का वेट बिल्कुल सही रहता, 888 किलोग्राम। वैसे इसकी वेट की वजह से ये पोकेमोन नंबर 5 पे है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो जो पोकेमोन नंबर 4 पे अपनी जगह बनाता है, उस पोकेमोन का नाम है मर्डसैडल या फिर मर्डसडेल। पता नहीं यार इस पोकेमोन का कैसा नाम रखा गया है, मुझे ये नहीं पता पोकेमोन कंपनी ने क्या सोचकर इस सड़े हुए नाम को बनाया होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तब भी बताना मेरा काम है। तो वैसे तो इसकी शक्ल सड़ी भी है, लेकिन दिखने में थोड़ा घोड़े जैसा लगता है। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा लगेगा तुम्हें घोड़े जैसा है। तब भी क्या आप बिलीव कर सकते हो कि इस छोटे से पोकेमोन का जो वेट है, छोटा सा नहीं थोड़ा बड़ा सा, कि जो वेट है वो आसमान छू रखा है। हाँ यार, इस पोकेमोन का वेट है 920 किलोग्राम, गलत बोल दिया, 920.0 किलोग्राम। अब यहाँ पे भी पॉइंट के बाद जीरो है, पता नहीं क्या दुश्मनी है पॉइंट की। तो छोड़ो यार इसे, बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो जो पोकेमोन नंबर 3 पे अपनी जगह बनाता है, उस पोकेमोन को आप अच्छे से जानते होंगे। रोटोम भाई गैस करना चाहोगे, वैसे भी आज तुम कुछ बोल नहीं रहे। हाँ भाई मैं गैस कर लूंगा, तुम मुझे हिंट बताओ। तो हिंट है कि वो एलान के एक पोकेमोन का मेगा इवॉल्व फॉर्म है। अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम इसका आंसर बता दो। तो जो पोकेमोन सबसे भारी है, जो नंबर 3 पे अपनी जगह बनाता है, उस पोकेमोन का नाम है मेगा मेटाग्रॉस। इस पोकेमोन का टाइप है स्टील और साइकिक, और ये एलान के एक सबसे ताकतवर पोकेमोन में से एक पोकेमोन है। और मेन पॉइंट की बात करें तो इस पोकेमोन का वेट है 942.8 किलोग्राम। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो जो पोकेमोन नंबर 2 पे अपनी जगह बनाता है, जिसे आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, होइन रीजन का एक मशहूर लेजेंडरी पोकेमोन, उस पोकेमोन का नाम है प्राइमल ग्राउडॉन। हाँ, ग्राउंड और फायर टाइप का ये पोकेमोन जब अपनी प्राइमल फॉर्म में तब्दील हो जाता है, तब इसका वेट थोड़ा बढ़ जाता है और इसका वेट पहुंच जाता है 999.7 किलोग्राम। बोले तो 999.7 किलोग्राम इसका वेट है, जो कि समझ सकते हो कितना ज्यादा होता है। तो 5 में से 4 पोकेमोन हो चुके हैं, अब बारी आती है नंबर 1 वाले पोकेमोन की। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पे सबसे भारी पोकेमोन, जो कि पूरे पोकेमोन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा भारी पोकेमोन है, वो एक नहीं दो पोकेमोन है। हाँ बिल्कुल सही सुना, उन दोनों का वेट बिल्कुल सेम है और वो दोनों ही अलोला रीजन के पोकेमोन है।
तो उन दोनों पोकेमोन का नाम है कॉस्मियम और कैलेस्टेला। जहाँ कॉस्मियम साइकिक टाइप पोकेमोन है और कैलेस्टेला स्टील और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, तो इन दोनों का वेट एक दूसरे के बराबर है। गाइस आपको ये तो पता चल गया होगा कि पूरे पोकेमोन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा भारी पोकेमोन दो हैं। उन दोनों का नाम मैंने बताया, लेकिन उन दोनों का वेट क्या है भाई? तो इन दोनों पोकेमोन का वेट है 999.9 किलोग्राम, बोले तो 999.9 किलोग्राम। इसका मतलब है ये दोनों पोकेमोन का वेट है 1000 किलोग्राम, जो कि बहुत ही ज्यादा भारी होते हैं। वैसे कुछ लोग कह रहे होंगे, भाई तूने क्या बता दिया, हम तो ये सोच के आए थे कि इस वीडियो के अंदर हमें स्नोलैग्स गोलम देखने को मिलेगा, है ना? शायद से आप लोग भी ये सोचकर आए होंगे। लेकिन भाई अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जोटो लीग में प्रोफेसर ओक ने ये बताया था कि स्नोलैक्स नंबर वन पर सबसे ज्यादा भारी पोकेमोन है, और जो नंबर टू पे हमारा सबसे भारी पोकेमोन आता है वो है गोलम। प्रोफेसर ओक ने सिर्फ कैंटो रीजन और जोटो रीजन के सबसे ज्यादा भारी पोकेमोन के बारे में बताया था, लेकिन मैंने पूरे पोकेमोन यूनिवर्स के सबसे ज्यादा भारी पोकेमोन के बारे में बताया था। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अंतर क्या है दोनों के बीच में। तो अब वीडियो खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो आज का क्वेश्चन पूछना बाकी है। तो रोटाम भाई आज का क्वेश्चन पूछ लो। तो आज का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा लेजेंडरी पोकेमोन है जो इवॉल्व हो सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आपको जवाब आता है तो आप इसका जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में। लेकिन अगर आपको जवाब नहीं आता तो चीटिंग मत करना, कमेंट में लिख देना भाई जवाब नहीं आता, ठीक है यार? मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा यार। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दो, कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाओ ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रोटाम भाई वीडियो के एंड में क्या बोलते हैं? गुड बाय।